ज्यादा क्या बोलें, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी जहाँ जिस पंचायत से संबंध रखते हैं वो स्कूल हमने राजा वीरभद्र सिंह जी से मैंने खुलवाया। जहाँ पर एक गांव को घर जाता है जो सड़क है वो हमने बनाई है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी को और वीरभद्र सिंह जी की देन है। सर आज की मैं बात करूँ, आपने भी आवेदन किया है, तो कितने आवेदन यहाँ से गए हैं? यहाँ से सराज चुनाव क्षेत्र से 16-17 आवेदन गए हुए हैं। आप तो खुद को कितना प्रबल दावेदार मानते हैं कि टिकट आपको मिले, कितने चांसेस लग रहे हैं? दूसरी तरफ अगर टिकट आप चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ सीएम होंगे आपके अगेंस्ट, तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? स्ट्रेटेजी है चुनाव लड़ने की, ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो जो है वो कांग्रेस का वोट काटेगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। जैसे अगर आपको टिकट मिलता है, जिन लोगों ने आवेदन किया है सराज से, क्या वो आपके साथ फिर चलेंगे? आपको क्या है, वैसे भी कांग्रेस को कहा जाता है कि यूनिटी नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं, तो फिर कैसे आप उनको? यूनिटी की बात नहीं है। अभी हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं चेतराम ठाकुर जी, उनकी अगुवाई में यहाँ पर जो है आज रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है और थोड़ी देर में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पहुँचेंगे। चेतराम जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा, युवा रोजगार संघर्ष यात्रा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। आइए, रेल चौक नाम की जगह है और युवा रोजगार संघर्ष जो यात्रा है ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में हर चुनाव क्षेत्र में रखी हुई है और इसके तहत आज मंडी ज़िला में ये शुरू होने जा रही है। सबसे पहले ये करसोग अभी इस युवा रोजगार यात्रा का जो नेतृत्व है हमारे प्रदेश के युवा नेता श्री विक्रमादित्य सिंह जी कर रहे हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी हुई है और वो करसोग इस टाइम पहुंच चुके हैं और काफ़ी हज़ारों की तादाद में वहां पर इस यात्रा का करसोग वासियों ने बहुत स्वागत किया है, मैं अभी लाइव देख रहा था। चेतराम जी, अभी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होंगे प्रदेश में और इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो आवेदन मांगे थे काफ़ी संख्या में आवेदन हुए हैं। सराज की मैं बात करूं, आपने भी आवेदन किया है, तो कितने आवेदन यहां से गए हैं? यहां से सराज चुनाव क्षेत्र से 16-17 आवेदन गए हुए हैं। नौजवानों ने यहाँ से आवेदन किया है, महिलाओं ने यहाँ से आवेदन किया है, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने यहाँ से आवेदन किया है, बहुत से लोगों ने, पदाधिकारियों ने यहाँ से आवेदन किया है जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के। इस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपे गए हैं। आप खुद को कितना प्रबल दावेदार मानते हैं कि टिकट आपको मिले, कितने चांसेस लग रहे हैं? मैं संगठन का आदमी हूँ, प्रदेश का महामंत्री हूँ, मेरे पास 10 विभाग है इस टाइम प्रदेश के जिनको मैं चला रहा हूँ, पूरे हिमाचल के, 3 तो पूरे हिमाचल प्रदेश के हैं। मेंबरशिप ड्राइव का मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का प्रभारी हूँ, जो कोविड का जो दौरान हुआ उसका जो सारे कार्यक्रम, इसका मैं प्रभारी हिमाचल प्रदेश का हूँ, और एजिटेशन पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने किए उसका मैं प्रभारी हूँ, और शिमला ज़िले का मेरे पास प्रभार, अभी कुल्लू ज़िले का मेरे पास प्रभार, और डिसिप्लिन कमेटी का मेरे पास मेंबर रहा हूँ। तो 10 विभाग मेरे पास कांग्रेस पार्टी ने इन 4 सालों में दिए हैं और हमने इन सारे जो कार्यक्रमों को, पार्टी के जो कार्यक्रम दिए गए इनको बहुत बेहतर तरीके से ये चलाएं और बहुत ज़्यादा सहयोग इसमें जनता का प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा सहयोग रहा हुआ है। सर, दूसरी तरफ अगर टिकट आप चुनाव लड़ते हैं, दूसरी तरफ सीएम होंगे आपके अगेंस्ट, तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? मुकाबला टफ होगा, सीएम दूसरी तरफ हैं आपके? जो स्ट्रेटेजी है चुनाव लड़ने की ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये तो मेरे पास ही रहेगी, इसको मैं समय समय पर बताऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी है इस क्षेत्र से, ये हमारा सौभाग्य है कि सराज चुनाव क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने और ये हमको प्रसन्नता की बात है, मगर जिस तरीके से काम मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए, जिस तरीके से योजनाएं मुख्यमंत्री की होनी चाहिए वो नहीं है जी। तो चेतराम जी, दूसरा ये है कि ऐसे बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला देखने को मिलता है, इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरने वाली है और ये भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो जो है वो कांग्रेस का वोट काटेगी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगी। नहीं, चुनाव के दिनों में
लोगों का आना जाना ये चला रहता है, हर बार के जो चुनाव है मैंने देखा हुआ है। लेकिन आम आदमी का जो इस चुनाव हल्के क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में मैंने इतना नहीं देखा हुआ है। ये कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है ये भी कोशिश करेगी, इनका भी अधिकार है, लेकिन ये बहुत इस दफ़े पूरे हिमाचल प्रदेश में नाम मात्र के रहेंगे। मुख्य जो मुकाबला है ये कांग्रेस पार्टी और भाजपा का होगा। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं, ये भाजपा के कुछ लोग, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो दूसरे इनके कार्यकर्ता हो, उन्हीं तक ही इसका इस जो पार्टी के जो ये सरकार बनी उन्हीं तक ये सीमित रही है। लोगों को बहुत बड़ी आशा थी, मंडी ज़िले को बहुत बड़ी आशा थी कि हमारे मंडी ज़िला से मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन मंडी में भी आप देख रहे हैं हम देख रहे हैं, कोई भी ऐसा काम ऐसा नहीं हुआ मंडी ज़िले में जो ऐसा माने कि हमारे मुख्यमंत्री है तो ये हुआ है। तो ये काफ़ी असफल विफल सरकार ये 5 सालों में रही हुई है। जैसे अगर आपको टिकट मिलता है, जिन लोगों ने आवेदन किया है सराज से, क्या वो आपके साथ फिर चलेंगे? आपको क्या है, वैसे भी कांग्रेस को कहा जाता है कि यूनिटी नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं, तो फिर कैसे आप उनको? यूनिटी की बात नहीं है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग होंगे, ये यूनिटी है ना, ये और क्या चीज़ है? बीच में एक आधा लोग ऐसे चलते रहते हैं, ये जो फैक्टर है ये हर दल में होते हैं, तो ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। मेजर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का वो मेरे साथ है, आप देखेंगे थोड़ी देर में खुद भी इसके गवाह बनेंगे। ये आज से नहीं है, जब से मैं सराज चुनाव क्षेत्र में 38 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, चाहे मैं बनूँ चाहे ना बनूँ, चुनाव लड़ूँ चाहे ना लड़ूँ, मैं लगातार लोगों की सेवा करता हूँ। और मेरे दौरान यहाँ पर सराज चुनाव क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए, ऐसे कोई छोटे मोटे काम नहीं है, बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। आज मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ से छतरी की सड़क को लिंकेज किया गया, ये मेरे द्वारा किया गया, यहाँ से गाड़क सड़क है इसको लिंकेज मेरे, आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, औरों का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। यहाँ से करसोग है जहाँ से विक्रमादित्य सिंह जी आए हैं, ये हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ से बाली चौकी को कनेक्ट किया, ये हिस्टोरिक फैसले हैं। यहाँ पर डिग्री कॉलेज, 3 डिग्री कॉलेज हमने दिए, एक यहाँ पर लंबा थाच में खोला, गाड़क सैन में खोला, थाची में खोला। तो मुख्यमंत्री जी ने 3 डिग्री कॉलेज पर 1 रुपया नहीं खर्च किया, मुख्यमंत्री जी ने इन सड़कों को कोई विस्तार सिर्फ इन्हें चौड़ा किया, लेकिन इसमें अधिकांश जो राशि है उसमें ठीक खर्च नहीं हुई है। ठेकेदारों का इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ, आम लोगों का, जो आम लोगों के पैसे आम लोगों के लिए लगने चाहिए थे वो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ भी हुआ, प्रदेश में भी हुआ। अंत में पूछना चाहूँगी कि ऐसे आपको क्या लगता है कोई ऐसे विकास कार्य जो सराज में नहीं हुए हो, और वो अगर आप इसमें आते राजनीति में, अगर टिकट जीतते हैं आगे, तो वो जो आप करवाना चाहते हैं? बहुत बड़े, जब मैं MLA भी नहीं था तो ये सारे काम मैंने बताए, मुझे नज़र आई ये सड़क जरूरी है, मैंने एक 100 के करीब नए संस्थान यहाँ पर खोले, जिसमें +2 40 के करीब +2 है, जिसमें हमारे डिग्री कॉलेज है, थाना है, बड़ा अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वेटनरीज हैं, बैंक्स हैं, ये पूरे सराज चुनाव क्षेत्र में जहाँ पर जिस SDM का ऑफिस है, तहसीलें हैं, ये जहाँ पर जिस चीज़ की मैंने आवश्यकता लोगों ने बोला उसको मैंने कोशिश की कि इनको खोला जाए, और उसमें सफलता प्राप्त हुई है। आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिलता, एक चीज़ नहीं है यहाँ पर, हमने दूध का मिल्क फेडरेशन का मैं चेयरमैन था, यहाँ सारे सराज चुनाव क्षेत्र में दूध का जो काम शुरू किया, सब्जी मंडियाँ यहाँ पर 5 खोली, और कम से कम 50,000 से ऊपर लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। और इसके अलावा अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है, हमने अनेक से काम किए। मैं ज़्यादा क्या बोलें, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी जहाँ जिस पंचायत से संबंध रखते हैं, वो स्कूल हमने राजा वीरभद्र सिंह जी से मैंने खुलवाया, और बक्सियाड़ का जो +2 है वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। जहाँ पर एक गाँव को घर जाता है, जो सड़क है वो हमने बनाई है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की और वीरभद्र सिंह जी की देन है।
इनका कार्यकाल आज से पहले ठीक नहीं रहा। ये ठीक है कि इस दौर में जो मुख्यमंत्री बने हैं तो बजट का एलोकेशन ज़्यादा चुनाव में हुई है, लेकिन बजट सही तरीके से लोगों को नहीं लगा है, उसमें बहुत सारी अधिकतर जो पैसा है वो मिस यूज़ हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर पहुँचे, मंडी से यहाँ पर पहुँच कर 100 किलोमीटर दूर आए और हमारे बीच में आए, बहुत अच्छा लगा और ऐसे मिलते रहेंगे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।